नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस देने वाले टॉप 10 कंपनीज के बारे में, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर बोनस देता है और जो कि एक मैजिकल कंपाउंडिंग का काम करता है आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर। मतलब आपका वेल्थ ये अच्छे से क्रिएट करता है और जिसमें मदद करता है आपका बोनस ईयर। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 कंपनी जो आपको रेगुलर टाइम पर बोनस देती है, जिसमें से पहले नंबर पर हमारा है विप्रो। दोस्तों, विप्रो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, जिसका कारण क्या है विप्रो के रिटर्न देने का, वो है बोनस शेयर। आप इसके चार्ट पर देखेंगे तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिखेगा, जो आने वाले वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। विप्रो जो आपको रिटर्न दिया है वो बोनस शेयर के रूप में, ये दोस्तों इतना बोनस शेयर दिया है कि इसमें अगर कोई 100 शेयर खरीदा रहता तो 2 करोड़ शेयर उसके पास होते। मतलब 100 शेयर बन गया 2 करोड़ शेयर। तो इसका रिटर्न देखिए, जो शेयर का कंपाउंडिंग वो कंपाउंडिंग ही 2 करोड़ बन चुका है। 100 शेयर मतलब 2 करोड़ बन चुका है। अब रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो जो 100 रुपया है वो 2 करोड़ बन चुका है। तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट जो है विप्रो के आईपीओ में, वो 2 करोड़ से भी अधिक का रिटर्न हो चुका है, जो कि हम आपको अगले वीडियो आने वाले वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि विप्रो किस तरह से मैजिकल रिटर्न दिया है। ये आने वाले समय भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, मतलब बेहतरीन बोनस शेयर भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास देखिए रिजर्व और कैश कितना है, बहुत ही कैश रिच कंपनी है। 53,000 करोड़ का इस कंपनी के पास कैश और रिजर्व है। अभी भी कंपनी के ऊपर डेट भी है थोड़ा सा, तो 8,900 करोड़ का डेट है, जो कि इस कंपनी के सामने एक मामूली डेट है, क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है, अपने बिजनेस में काफ़ी तरह से एस्टेब्लिश है और इसका जो एनुअल प्रॉफिट है उसके डेट से काफ़ी अधिक है। तो आसानी से कंपनी इसको पे कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी काफ़ी कैश रिच कंपनी है और इसका जो पी है अभी 26.3 का। पे का कंपैरिजन आप इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक से कर सकते हैं, जैसे देखिए इन्फोसिस का 30 है पी, तो अभी भी विप्रो इन्फोसिस से काफ़ी सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो अभी चाहे तो आप विप्रो में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी कंपनी हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा कैश है, देखिए 74,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, तो अभी भी ये कंपनी आपको काफ़ी सारे बोनस शेयर दे सकती है और काफ़ी अच्छा इसका चार्ट पे भी रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड है। मतलब चार्ट में भी आप देखेंगे तो इस कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। साथ साथ कंपनी के पास डेट भी है 5,300 करोड़ का, तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि कंपनी देख सकते हैं विप्रो से भी ज़्यादा कैश रखता है। और अगर पिछले 15 से 20 साल में देखें तो विप्रो से ज़्यादा बोनस शेयर जो इन्फोसिस दिया है, और साथ ही साथ डिविडेंड भी विप्रो से काफ़ी ज़्यादा दिया है इन्फोसिस ने। तो पीछे अगर हम पीछे 10 से 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो इन्फोसिस विप्रो से आगे है। लेकिन शेयर की बात करें तो ये थोड़ा विप्रो से महंगे पी पे आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा इन्फोसिस को लेना विप्रो से थोड़ा महंगा प्राइस है, तो आप ऐसा करें कि दोनों में आप हाफ हाफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो शेयर है हमारा वो है सिप्ला। सिप्ला भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि इस कंपनी ने भी काफ़ी बेहतरीन बोनस दिया अपने इन्वेस्टर को। और इस कंपनी का अगर रिजर्व और कैश की बात करें, 18,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश और रिजर्व है, तो निश्चित है कि आने वाले समय भी अच्छा खासा ये बोनस शेयर अपने इन्वेस्टर को दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेट भी है, 1,500 करोड़ का डेट है और कंपनी का जो अभी पी है करेंट पी 31.4 का पी है कंपनी का, तो काफ़ी कैश रिच कंपनी है ये भी। उसके बाद अगला जो कंपनी है वो है मदरसन सुम्बी। मदरसन सुम्बी भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, अगर बात करें विप्रो से भी ज़्यादा रिटर्न मदरसन सुम्बी ने दिया है, और ये कंपनी भी काफ़ी कैश रिच कंपनी है। देखते 10,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश और रिजर्व है, वहीं कंपनी के ऊपर डेट भी है और फिर 14,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट बदन काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी के पी की बात करें काफ़ी हाई पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, 141 का पी है, जो कि काफ़ी हाई है। और ऑटो सेक्टर की जो कंपनी है इधर काफ़ी ज़्यादा रैली किया है, लेकिन ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट भी आने वाले समय में आपको देखने मिल सकता है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट आपको इसमें देखने मिल सकता है, तो थोड़ा सा इस स्टॉक को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक जब 70 रुपीज़ के आसपास था तब मैंने बताया था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते। उस समय वीडियो भी बनाया था कि ये काफ़ी बोनस देने वाली कंपनी है और अभी ये
200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। देखिए अगला है हमारा कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को और काफी रेगुलर टाइम पर बोनस देने वाली कंपनी है। इसके पास भी देखिए रिजर्व तो 920 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास, और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कोई भी डेट इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो ऐसी कंपनियां कभी भी गिरावट में मिले तो जरूर आप इन्वेस्ट करें, लेकिन कंपनी के बिजनेस पे इसमें जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा इधर डल रहा था, तो कंपनी के बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने मिलता तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दूसरी पॉजिटिव चीज, कंपनी तो बिल्कुल डेट फ्री है, कोई डेट बर्डन है ही नहीं। जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी शेयर होल्डर के बीच डिविडेंड के रूप में बांटेंगे या तो कैश को रिटेन करेगा। जैसे कैश को रिटेन करता है तो वो कैश रिजर्व में आपको दिखेगा, उसी रिजर्व को जब कंपनी यूज करती है तो बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर को देती है। और कंपनी के पी की बात करें 18.7 का पी है, तो काफी सस्ते पी पे स्टॉक अभी मिल रहा है, लेकिन सेक्टर के अलग कंपनियों के साथ कंपैरिजन करेंगे कि यह स्टॉक अभी महंगा है या सस्ता है। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है और फुटवेयर इंडस्ट्री का जबरदस्त स्टॉक है, बाटा इंडिया से ज्यादा अच्छा है रिलैक्सो फुटवेयर। और इसके पास रिजर्व है 1548 करोड़ का और कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है, देख सकते मात्र 115 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, तो वर्चुअली ये कंपनी भी डेट फ्री है। और कंपनी का जो पी है 93 का, तो काफ़ी महंगे पी पे मिल रहा है। ये कंपनी जब 600 के आसपास था उसी समय में बताया था कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, और अभी ये कंपनी 900 रुपये से ऊपर चल रहा है, 1000 तक गया था। तो समझ सकते हैं जो भी उस समय हम हमारी कहानी पे इन्वेस्ट किया होगा उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा। अगला है हमारा 7th नंबर पर SCL टेक्नोलॉजी। SCL टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक सेक्टर की यह सबसे बेहतरीन आईटी कंपनी है, तो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी पकड़ है इस कंपनी का, और ये कंपनी भी काफ़ी कैश रिच है। देखिए 59,000 करोड़ का कैश और रिजर्व है कंपनी के पास, वहीं कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है 6400 करोड़ का, और ये कंपनी देखिए काफ़ी अच्छे पी पे ट्रेड कर रहा है, मात्र 22.9 का पी है, तो ये काफ़ी अभी भी सस्ते पी पे मिल रहा है। विप्रो का 26, वही 30 है इन्फोसिस का, ये मात्र 22.9 के पी पे आपको मिल रहा है। तो देखिए कितनी बेहतरीन कंपनी और कितने सस्ते पी पे आपको मिल रहा है। अपने सेक्टर जो पी का कंपैरिजन करते हैं सेक्टर के अलग अलग स्टॉक के बीच के लिए करते हैं, तो अभी भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इसको ले सकते हैं, अच्छा खासा ये रिटर्न देगा आपको और अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, रेगुलर डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। अगला है हमारा 8वें नंबर पे ITC। ITC भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और ये स्टॉक जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन इसको बाय कब करना है, जब इसमें गिरावट होता है। देखिए जैसे ये कंपनी 160 पे 140 तक आया था, आप वहां से बाय करते तो अभी लगभग 50% का आपको इसमें रिटर्न मिल रहा होता। अगर आप 150 के आसपास बाय करते 160 पे, लगभग 7% का डिविडेंड आपको प्राप्त होता, 7% का डिविडेंड यील्ड, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करते 7% आप डिविडेंड के रूप में आपको मिल जाता। तो एक ब्लू चिप कंपनी जिसमें आप निश्चिंत होकर, थोड़ा सा आप इसमें पिछले 3 साल से कोई मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जब मूवमेंट आएगा तो आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने मिलेगा, और जब इसमें मूवमेंट आएगा तभी आपको इसमें बोनस शेयर भी देखने मिलेगा, क्योंकि जैसे स्टॉक महंगा हो जाता है तो वैसे बोनस आएगा, जिसके कारण स्टॉक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको फिर मिलने लगेंगे। तो दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक है, 57,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और देखिए मात्र 291 करोड़ का इसके ऊपर डेट है। ये डेट कुछ नहीं है, 0 के बराबर है, जो इतनी कैश रिच कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,00,000 करोड़ से भी ऊपर है, तो ये डेट तो मामूली है, कोई डेट नहीं है। ये और पी देखिए मात्र 19.6 का, टोबेको कंपनी है, FMCG कंपनी है, और इतने सस्ते पी पे आपको मिल रहा है, तो आप इसमें चाहे तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा रामको सीमेंट। रामको सीमेंट ये 9th नंबर पे हमारी कंपनी है, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। अभी मार्केट कैप इसका 30,000 करोड़ से भी कम है, और समझ आइए वहीं TCS का मार्केट कैप है 10,00,000 करोड़, तो अभी भी तो समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अगर 1,00,000 करोड़ भी मार्केट कैप यहाँ से हो जाता है तो आपको 3 से 4 गुना रिटर्न मिलेगा, 3x 4x रिटर्न, तो काफ़ी कैश रिच कंपनी ये भी है। 5,700 करोड़ का इसका रिजर्व और कैश इक्विवेलेंट है, और वही कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है, 3,100 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जिसकी इसका पी जो है 28.5 का पी है, तो काफ़ी अच्छे पी पे ये भी कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा पी है, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा बर्जर पेंट, जो 10th नंबर पे कंपनी है, और ये कंपनी भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को,
और देखिए इसके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है, मतलब कैश और रिजर्व जो है 2770 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है कंपनी पास। वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है 855 करोड़ का है। तो ये डेट कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और बर्जर पेंट काफ़ी सॉलिड बिजनेस है, एशियन पेंट का, बर्जर पेंट का, एशियन पेंट भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बर्जर पेंट अच्छा खासा बोनस दिया है एशियन पेंट से ज़्यादा, और इसका पी देखिए 130 का। तो जो अच्छे स्टॉक्स है वो आपको महंगे पी पे ही मिलेंगे, आप चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये, 10 के 10 स्टॉक जो कि आपको रेगुलर इंटरवल टाइम पर बोनस देते हैं। अगर बोनस शेयर के मैजिक को देखना चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे बोनस शेयर किस तरह से एक मैजिकल रिटर्न देने का काम करता है।